नमस्कार, मैं सुनील गौतम गौतम पुरुषोत्तम आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 रोवर ने अभी तक चांद पर क्या क्या खोज कर ली है और वो भविष्य में हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही जैसे कि आपको पता है चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है और मून पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। इससे पहले रूस, चाइना और अमेरिका ऐसा कर चुके हैं। अब जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई सफलतापूर्वक मून की सरफेस पर, तो दोस्तों उसके कुछ घंटों के अंदर ही लैंडर और रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। रोवर ने अभी हाल ही में कुछ खनिजों की वहां पर खोज की है जिससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया खुश है। देखिए दोस्तों, प्रज्ञान रोवर में 2 पैलोड लगे हुए हैं। उसमें एक पैलोड है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसने क्या किया, इस लिप से हाईली एनर्जेटिक लेजर बीम निकली और वो पड़ी वहां की किसी पत्थर पर या मिट्टी पर। और जब ये लेजर, जो हाई एनर्जेटिक लेजर होती है, जब ये मिट्टी या पत्थर पर पड़ती है दोस्तों, तो ये गर्म प्लाज्मा पैदा करती है। सूरज से पृथ्वी की तरफ गर्म प्लाज्मा आता है, ठीक वही आलात वहां पर पैदा हुए। हाईली एनर्जेटिक बीम निकली, वो मिट्टी या पत्थर पर पड़ी और वहां पर काफी गर्म प्लाज्मा पैदा हो गया। उस प्लाज्मा से जो रोशनी निकली उसने ये बताया कि यहाँ पर ये खनिज है। अब वो खनिज कौन से हैं? देखिए दोस्तों, जो अभी तक हमें पता लगा है, जो इसरो ने हमें बताया है, लोहा वहां पर मिला है, उसके अलावा कैल्शियम मिला है, क्रोमियम मिला है, सिलिकॉन मिला है, टाइटेनियम मिला है, ऑक्सीजन मिला है, मैग्नीज मिला है और सल्फर मिला है। अब हाइड्रोजन की खोज जारी है, हाइड्रोजन अभी तक नहीं मिला, हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। जैसे ही हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो वहां पे हमें पता लग गया कि वहां पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जैसे मिल जाता है तो वहां पे पानी बनाना आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में वहां पर मानव बस्तियां आराम से बसाई जा सकेंगी। अब बात उठ रही है सल्फर। सल्फर कहां से आया मून के ऊपर? इसके 2 मेन सोर्स हो सकते हैं। एक, कोई वहां पे ज्वालामुखी फटा हो पहले, या फिर कोई उल्का पिंड से वहां पे सल्फर आया हो। ये एक रहस्य की बात है। इसरो इसको जानने में लगा हुआ है कि आखिर चांद की सरफेस पर सल्फर आया कहां से। तो साथियों, इतने मिनरल्स, इतने खनिज चांद की सतह पर मिल चुके हैं और ये आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होंगे हम पृथ्वीवासियों के लिए, हमारे देश के साथ साथ पूरी मानवता के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा विक्रम लैंडर पर एक पैलोड लगा हुआ है चास्टे। चास्टे ने बताया है कि वहां पर जो तापमान है वो कितना है। उसने बताया कि मून की सरफेस का तापमान वहां पे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस था और उसके ठीक 4 इंच नीचे, मतलब कि 10 सेंटीमीटर नीचे, वहां का तापमान था -10। अब खुद सोचिए, सरफेस पर टेम्परेचर चास्टे ने बताया कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है और ठीक 4 इंच या 10 सेंटीमीटर नीचे ही तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। अब देख लीजिए कहां पर इतनी गर्मी और 4 इंच नीचे इतनी ठंड। ये बात हमें बताई है चास्टे पैलोट ने, जो लगा हुआ है विक्रम लैंडर पर। दोस्तों, ये जानकारी हमें मिली है क्योंकि अभी तक जो हमें वहां का टेम्परेचर पता था वो अलग था। तो साइंटिस्ट हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरफेस पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और 4 इंच नीचे -10 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। कितना डिफरेंस है आप खुद सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रज्ञान रोवर की रिसर्च है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है वहां पर हाइड्रोजन भी मिलेगी और दूसरे खनिज पदार्थ भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये एक महान रिसर्च है और भारत का नाम एक तरह से इतिहास में लिखा जा चुका है और आने वाली खोजें बताएंगी कि वहां पर और क्या क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अभी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।